एंटरटेनमेंट डेस्क तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉ हाथी के रोल लिए प्रोड्यूसर असित मोदी ने नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने पहले ही बताया था डॉ हाथी का किरदार शो में खत्म नहीं किया जाएगा। वे दो नाम सतीश कौशिक और निर्मल सोनी में से किसी एक को लाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मोदी ने हाल ही में सतीश कौशिक को अप्रोच किया है। सतीश ने अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। अगर सतीश रोल करने को तैयार नहीं होते हैं तो निर्मल सोनी को अप्रोच किया जा सकता है। निर्मल सोनी बोले, अप्रोच किया गया तो विचार करूंगा। ZNews.com ने जब इस बारे में जानने के लिए निर्मल सोनी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, अभी तक मुझे अप्रोच नहीं किया गया है, अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित तौर पर विचार करूंगा। मैंने पहले भी इस रोल को किया है। दिलचस्प बात यह है कि मैं डॉ हाथी के भाई का रोल भी कर चुका हूं, इसलिए अगर मौका मिलता है तो मुझे यह रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मामले में फिलहाल असित मोदी और सतीश कौशिक की ओर से कोई कमेंट नहीं आया है। एक साल तक निर्मल सोनी ने किया था डॉ हाथी का रोल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत 2008 में हुई थी। एक साल तक निर्मल सोनी ने डॉ हाथी का रोल किया और फिर डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वे शो से अलग हो गए। 2009 में कवि कुमार आजाद ने शो को डॉ हाथी के रूप में ज्वाइन किया। ऋण 9 साल तक इस रोल को कर चुके आजाद का 9 जुलाई 2018 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। असित मोदी कहते हैं कि एक्टर का निधन हुआ है, लेकिन उनका किरदार तो अभी जीवित है, इसलिए उनकी जगह किसी न किसी को तो शो में लाना होगा। इन फिल्मों में काम कर चुके सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक शेखर कपूर के साथ फिल्म मासूम से की। बाद में उन्होंने मी इंडिया 1987, राम लखन 1989, सरकार 1993, अंदाज 1994, मेरे सपनों की रानी 1997, आंटी नंबर 1 1998, घर वाली बाहर वाली 1998, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता 2001, गॉड टू सी ग्रेट हो 2008, रास्कल 2011, उड़ता पंजाब 2016, कमांडो 2017 जैसी फिल्मों में काम किया। Z News की रिपोर्ट।